बीजेपी का गारंटी जीरो। आज तक कुछ किया है? जो भी योजनाएं लाता हूं, यहां की सरकार उसे यहां लागू ही नहीं होने देती। बीजेपी का गारंटी जीरो। आज तक कुछ किया है? 10 साल बीजेपी जीता है, एमएलए जीता है, एमपी जीता है नॉर्थ बंगाल से, चाय बागान का 10 लाख मजदूर का खाना बंद कर दिया था, पत्ता लेना बंद कर दिया था। हमारा सरकार वो लोगों का साथ, परसों वो लोग हमारे पास आया, कल मैंने खुल दिया, कल से मैंने बोल दिया आप लोगों ने पत्ता, आपका पत्ता लेंगे। 10 लाख मजदूर को हम हेल्प कर दिया। 100 दिन का काम पे लिए कोई कुछ नहीं करना पड़ेगा, हम खुद 50 दिन का काम बना दिया, उसका नाम है कर्मश्री चल रहा है। आप लोगों को ऐसे ही मिलेगा, गवर्नमेंट रुपया देगा हमारा सरकार, ये हमारा बजट में कर दिया। आवास योजना में 11 लाख बाड़ी, हम इलेक्शन के बाद इसको रुपया आपको दे देंगे जैसे आप कर सके। और अलीपुरद्वार जलपाईगुड़ी कूचबिहार में जिसको सब चला गया दुर्योग में, उसको लिए भी हमने लोग इलेक्शन कमीशन को लिखा है परमिशन देने के लिए। अगर इलेक्शन नहीं होता तो 1 सेकंड में मैं कर देता, इलेक्शन का टाइम है, बातों बातों पर परमिशन लेना पड़ता है। और कैसे परमिशन लेना पड़ता है? बीजेपी जो बोलता है वही होता है। दिस इज टू मच अनफॉर्चुनेट। टीएमसी को कड़ा संदेश देना बहुत जरूरी है। मैं बंगाल की जनता के लिए जो भी योजनाएं लाता हूं, यहां की सरकार उसे यहां लागू ही नहीं होने देती। टीएमसी ने आयुष्मान भारत योजना को रोका है। अभी आयुष्मान योजना ऐसी है कि मान लीजिए आप किसी कारण से मुंबई गए और वहां बीमार हो गए, अगर आयुष्मान कार्ड होगा ना तो मुंबई में भी आपकी मुफ्त में इलाज होगा। आप चेन्नई गए और कुछ हो गया तो वहां भी आपका इलाज होगा। लेकिन वो काम ये टीएमसी सरकार करने नहीं देती है। यहां अगर ये योजना होती तो दूसरे राज्यों में इलाज के लिए जो मरीज जाते हैं उनको भी 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता। बीजेपी सरकार की पहचान मेडिकल कॉलेज और एम्स बनाने वाली सरकार की है। हम देश के हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज बनाने पर बल दे रहे हैं। लेकिन टीएमसी सरकार ये भी करने नहीं देती। पूरे देश में गांव की सड़क, नेशनल हाईवे, आधुनिक रेलवे, एयरपोर्ट, हर क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुआ है। लेकिन पश्चिम बंगाल को रिकॉर्ड पैसा देने के बावजूद टीएमसी सरकार की रोक टोक से प्रोजेक्ट समय पर पूरे नहीं हो पाते।